महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल के तहत उन्हें मनाने के लिए अपने कुछ करीबियों को भेजा है। एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ गायब हैं। इसके बाद से महाराष्ट्र सरकार खतरे में दिख रही है। सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को तलब किया है। एकनाथ शिंदे कभी ठाकरे परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी कुर्सी सीएम उद्धव ठाकरे के पास लगती थी, लेकिन अब वही शिंदे उद्धव सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ इस समय कम से कम 22 विधायक हैं और वे सरकार से एकदम बगावती मूड में हैं। सूरत में डेरा जमाए शिंदे बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर शिंदे शिवसेना से इतने नाराज क्यों हैं? आइए समझते हैं। सरकार बनते समय ज्यादातर अहम मंत्रालय एनसीपी के पास गए। शिवसेना के नेताओं को फंड नहीं मिल रहा था। जो मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास है, उनसे आदित्य ठाकरे का कथित तौर पर इंटरफेयर दिखने लगा था। आदित्य ठाकरे को बड़ा करने के लिए शिंदे को कथित तौर से दरकिनार किया जाने लगा। उनके विभाग सचिवों और आईएएस अधिकारियों ने सीएमओ कंसर्न के साथ किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करने को कहा था। सूत्रों का दावा है कि एकनाथ शिंदे जिस मंत्रालय के मुखिया हैं, उसमें सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का दखल बढ़ गया था। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एकनाथ शिंदे अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें मनाने के लिए अपने दो सीनियर नेताओं को सूरत भेजने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना के ये नेता उद्धव ठाकरे का मैसेज एक साथ शिंदे को देंगे। इसके बाद शिंदे की बात उद्धव तक पहुंचाई जाएगी। बताया जा रहा है कि शिंदे कुछ शर्तों के साथ मातोश्री से बात करने को तैयार हैं। इस बीच शिवसेना के तीन बड़े नेता सीएम उद्धव ठाकरे के आधिकारिक निवास वर्षा बंगले पर हैं। शिवसेना के विधायकों का भी अब वहां पहुंचना शुरू हो चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।